नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम बख्शी पंचकूल एग्री चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम दार्जिलिंग के पास जो है ये सनराइज़ व्यू पॉइंट पे आए थे, तो वहां से अभी हम वापस जा रहे हैं। तो हमें ये जो है रास्ते में एक पाइन फॉरेस्ट दिखा है, और ये इलाका बहुत ही शांत और बहुत ही एकदम मतलब ऊर्जा से भरा हुआ है, और क्योंकि पूरा जंगल है और एकदम घना जंगल है ये पाइन फॉरेस्ट जो है। तो अभी हम इसमें पाइन फॉरेस्ट में जा रहे हैं, यहाँ पूरा एकदम देखने अंदर का कैसा माहौल होता है। ये मेरा भी मतलब एक पहला एक्सपीरियंस है इस तरीके से पाइन फॉरेस्ट में, एक मैच्योर्ड फॉरेस्ट में जाने का। वैसे नए फॉरेस्ट और नए जो बन रहे हैं या बना रहे हैं उसमें तो मैं काफ़ी गया हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें फॉरेस्ट में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो पंचकूला एग्री चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियोस शेयर करें। धन्यवाद। वाओ, यहाँ आवाज़ गूंज रही है, और ये आप देख रहे हैं अभी पूरा ये घना फॉरेस्ट है। तो चलिए और थोड़ा सा अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो ये दोस्तों, ये मैच्योर्ड फॉरेस्ट है पूरा, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे ये सब पाइन ट्रीज हैं, और यहाँ एक इतना अच्छा घना इन पाइन ट्रीज ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। आप देखेंगे ये इनकी रूट्स भी कितनी एकदम से, और ये सभी पेड़ों पे ये हरी हरी ये काई सी जम जाती है यहाँ पे, क्योंकि इस पोर्शन में जो है वो सनलाइट नहीं आती। ये पूरा जो अंदर अभी हम जो जंगल में खड़े हैं, तो सनलाइट आप देख रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी बहुत छन छन के कहीं कहीं किसी किसी पोर्शन में सनलाइट आती है। तो ये इस तरीके का फॉरेस्ट जो है वो, ये तो खैर एक्चुअल फॉरेस्ट है, और इस फॉरेस्ट में मैं आपको एक फॉरेस्ट फ्लोर भी दिखाना चाहता हूँ कि एक फॉरेस्ट में किस तरीके का फॉरेस्ट फ्लोर होता है। ये आप देखिए पूरा इसमें जो है ये कहीं भी आपको मिट्टी नहीं दिख रही है, इसमें हर जगह आपको कहीं ना कहीं ये पाइन ट्रीज के ही गिरे हुए पत्ते और ये सब डंडियाँ और सब इसी तरीके का आपको दिखेगा। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट में पूरा जो फॉरेस्ट है अपने आप को अपनी सॉयल को कवर करके रखता है, तो ये जो है अभी हम आपको पूरा जीता जाता जागता हुआ दिखा रहे हैं। आप ये देखेंगे जैसे ये हर जगह आपको इस तरीके से पूरा मल्च दिखेगा, ये फॉरेस्ट कहीं भी आपको इसमें वो नहीं दिख रहा है। और ये आप देख रहे हैं इस तरीके से ये ग्रीन ग्रीन इसमें जम जाता है, क्योंकि यहाँ जो है सनलाइट बहुत कम पड़ती है। तो यहाँ मैक्सिमम मैंने जो पेड़ देखे हैं, और इसमें एक ऑब्जर्व करने वाली बात एक और है दोस्तों, कि ये पेड़ इतने लंबे क्यों होते हैं पहाड़ों पे। तो पेड़ लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि वो सनलाइट के लिए फाइट करते हैं, और इसीलिए वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जैसे उनकी रूट्स नीचे जाती रहेगी वैसे ही वो बढ़ते रहेंगे, क्योंकि उनको सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट के लिए जो है फाइट करते हुए ये बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे जो पहाड़ों पे जो फॉरेस्ट्स हैं उनमें मैक्सिमम जो आप ट्री स्पीशीज देखोगे वो बहुत लंबे चले जाते हैं वो पेड़, और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं वो। आप देखेंगे सारे पेड़ यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, और ये इतने ऊपर तक पूरा मेरे ऊपर तक पूरा भरा पड़ा है ये। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा अपने आसपास, अगर दूर नहीं जा सकते तो कम से कम अपने आसपास के फॉरेस्ट में जाइए और एक्सपीरियंस कीजिए इस ब्लिस को, और बहुत
बहुत ही अच्छा हमें महसूस। तो दोस्तों अभी यहाँ हमें इस जंगल में काफ़ी बड़ा रॉक दिखा है, काफ़ी बड़ा पत्थर दिखा है, तो हम ट्राई करने वाले हैं कि इसके ऊपर बैठ के हमें एक व्यू मिल सके। तो देखते हैं हम कहाँ से इसके ऊपर जा सकते हैं और कैसे हम बैठ सकते हैं। ये एक्सपीरियंस दोस्तों करने वाला है। आप सब जब भी यहाँ दार्जिलिंग आएँ तो चटकपुर गांव ज़रूर आएँ। अरे वाह, ये तो चढ़ने की जगह है इसमें। तो दोस्तों अभी ये जंगल का टूर हमारा पूरा हुआ और अब हम वापस अपने पार्किंग की तरफ जाएंगे, जा रहे हैं, और यहाँ से फिर हम वापस अपने फार्म्स के टीडी में जाएंगे और रास्ते का व्यू भी आपको मैं दिखाऊंगा कि रास्ता कैसा है वह यहाँ आने का। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा और मज़ा आ गया। तो अभी हम वापस पार्किंग पहुंच गए और अब हम गाड़ी में बैठ के जाएंगे। यार हंग्री, तो आई थिंक वी विल हैव सम मैगी एंड मोमोज हेयर। कुछ मैगी मोमोज खाएंगे और पहाड़ों पे मैगी खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है।